हे एवरीवन, इसमें हमसे एंड यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं द अमेजिंग नॉलेज ऑफ पाकिस्तानी पीपल। तो ये वीडियो है जनाब IML की तरफ से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वहाँ चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। और हम पहले वीडियो देखेंगे, साथ साथ तो कमेंट करेंगे और लास्ट में भी देखेंगे। तो मुझे फीलिंग तो यही है कि ये तंजिया लिखा गया है, ठीक है, टॉन्ट किया गया है, क्योंकि नॉर्मली जो इंटरव्यूज़ होते हैं पाकिस्तानियों के, उसमें जो नॉलेज आते हैं ना, वो बहुत हाई हाई लेवल, इतना हाई लेवल होता है कि बहुत सारे लोगों को सुनने के बाद यही होता है कि इससे अच्छा तो मैं अंधा होता। लेकिन हम वीडियो देखते हैं और फिर कोई कमेंट करेंगे। आइए शुरू करते हैं, 3, 2, 1 एंड। पलट तेरा ध्यान किधर है। लेकिन जब मुसलमानों को देखता हूं तो महसूस करता हूं इनसे ज्यादा जलील कौम दुनिया में कोई नहीं। ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन हर कोई बोल नहीं पाता। बस आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। नहीं घबराते, अब हम नहीं घबराते। इंडियन एक डॉक्टर ने दुनिया में मिसाल कायम कर दी गाइस अच्छे होने की। हमारे हिंदुस्तानी एक डॉक्टर ने उसे अपने पैसे में बुलाया, उसका लीवर चेंज किया, उसको तंदुरुस्त करके वापस से पाकिस्तान भेज दिया। इंडिया के डॉक्टर ने रब्ता करने के बाद कहा कि आप इंडिया आ जाओ, मैं आपकी ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा। और गाइस उन्होंने अपनी एन जुबान, जैसे उन्होंने जुबान की थी, पाकिस्तानी लेडी की पूरा ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट करवा कर पाकिस्तान भेजा। क्या बात है सर, इतना अच्छा काम, इंसानियत का काम हमारे डॉक्टर साहब ने किया, उनको तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन ये बगैर पाकिस्तानी कौम इस दया के काबिल ही नहीं है। जब पब्लिक में पूछा गया कि भाई हिंदुस्तानी डॉक्टर ने हमारी खातून का मुफ्त में इलाज कर दिया, फ्री में इलाज कर दिया, तो आप क्या सोचते हैं? अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो फिर तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या सोचते हैं। मैं जानता हूं। तो आपका सस्पेंस खत्म करते हैं और सीधा चलते हैं पाकिस्तान। चलो। कौन से पड़ोसी के साथ हमारे ज्यादा अच्छे तलुकात हैं? तो हमारे जो ईरान के साथ ही है पड़ोसी में, तो इंडिया के साथ हमारी वैसे ही मुखालफत है बहुत ज़्यादा। क्यों सर, क्या वजह? उनकी तरफ से सारे मामला है कि जो भी उनका साहब था वो बहुत ज्यादा रखते हैं, दुश्मनी बहुत ज्यादा रखते हैं। अच्छा, आवाम दोनों मुल्कों की नहीं है, तो गवर्नमेंट है या BJP जो हुकूमत है वहाँ की, वो करती है दुश्मनी वगैरह करते हैं। अगर BJP भी अमन चाहती होती, अगर BJP भी अमन चाहती हो, अगर आवाम भी अमन चाहती, इधर की आवाम भी अमन चाहती, उधर की आवाम भी अमन चाहती है, तो बीच में मसला क्या खराब? मसला हुकूमत के खराब है ना, वहाँ जो हिंदू पसंद जो है ना जमाते, वो नहीं चाहते कि इनके आपस में तात हो। अबे साले, इस कन्वर्टेड मुस्लिम को BJP और हिंदुओं से कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही है। ये बात हुक्मरान है वो पीस नहीं चाहते। सर वीजा कौन देता है? वीजा हुक्मरानी हुकूमत देती है, जो हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत इंडिया की जो हुकूमत है वो देती है ना। बिल्कुल सही। अब देखे कि इंसानियत की मैं मिसाल बताना चाहूंगा कि कितनी बड़ी मिसाल कायम की इंडिया के एक डॉक्टर ने। पाकिस्तान की एक बूढ़ी लेडी थी जो कि जिनका लीवर प्लांट होना था, लीवर ट्रांसप्लांट होना था पाकिस्तान के अंदर। आपको पता लीवर ट्रांसप्लांट की एक भी मशीनरी नहीं, यहाँ पर हो ही नहीं सकता। तो उस डॉक्टर ने अभी देखे हालात कितने खराब हो गए पाकिस्तान के, उस डॉक्टर ने वीजा दिलवाया उस लेडी को, वीजा दिलवा कर फ्री ऑफ कॉस्ट लीवर ट्रांसप्लांट करके उसको पाकिस्तान दोबारा मुंतकिल कर दिया, पाकिस्तान भेज दिया। आप बताएं मुझे कि इससे बड़ी इंसानियत की मिसाल मैं आपको और क्या दूं जो कि पीस कायम करे। मैं आपको यही बात कर रहा हूं ना, हमारी दोनों साइड की जो वहां में वो तो चाहती है तो सर्दे खत्म हो। सर आप हुकूमत भी तो चाहती है, हुकूमत ने वीजा दिया तो यहाँ से गए ना। लेकिन हुकूमत उसका कोई हाथ डलता होगा तो वो हुकूमत निकलवा लिया। वैसे हुकूमत भी नहीं चाहती, इंडिया की हुकूमत चाहती ही कोई नहीं। BJP जो इंतहा पसंद हिंदू जमात है कभी भी नहीं चाहती। क्या बोला तूने? भाई हिंदुओं का नाम लेने से पहले बोल रहा है इंतहा पसंद हिंदू। वाह, ये अपने घर में खुद ही फटे जा रहे हैं, लेकिन इंतहा पसंद है हिंदू। सुना क्या? हाय रोज धमाके हो रहे हैं, लेकिन इंतहा पसंद है हिंदू। क्या वाला टाइम रहा है अब आप जो बातें कर? जो पहले वक्त में मैं तो था ही नहीं। ब्यूटीफुल, जब मैं पहले बात करता हूँ ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया। अभी की आप बात कर रहे हैं ना, वो पहले वक्तों की बात जो आप कर रहे हैं। अभी भी ऐसा होता है उधर। कहने का मकसद है जो जमात है जो हिंदू, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक डॉक्टर भाई जो कि वीजा दिलवा के, भाई वीजा दिलवाना हुकूमत का काम है ना, वीजा हुकूमत देती है। आप या मैं वीजा दे सकते हैं? आप किसी को बाहर से किसी को ले आओ पाकिस्तान, वो लेके आ सकता है? जो साफी है जो भी है, जो खराजत पेश करते हैं, जो जिस बंदे ने के वो बुलाया है, ठीक है। लेकिन हमारी जो अक्सरियत जो है ना, वही मामला नहीं, हुकूमतें नहीं चाहती कि आपस में वो चीज हो। बात सही है, ये बात मैंने आज तक वहाँ की हुकूमत को नहीं देखा। अक्सरियत नहीं चाहती है, इक्का दुक्का है बस। वो तो यहाँ हिंदुस्तान में भी बहुत सारे अमन की आशा वाले हैं, लेकिन आजकल तो उनका भी बस नहीं चल रहा।
हुकूमतें चाहती हैं लेकिन जमात नहीं चाहती, जो इंतजाम था हिंदू जमात वो नहीं चाहती। सर हिंदू भी चाहते हैं फिर आप ये किस वजह से कह रहे हैं कि हिंदू नहीं चाहते या इंतहा पसंद हिंदू नहीं चाहते, आप ये कौन सी वजह से कौन से फैक्ट पर बात कर रहे हैं, कौन सी किताबें पढ़ी हुई हैं आपके मीडिया में देखा सारे मामला था वहाँ तो नहीं गए। कौन सी मीडिया में? सब मीडिया में ये चैनल में चलते हैं मीडिया चैनल में। हाँ मीडिया में सारे मीडिया वही दिखाती ताकि नफरतें पैदा हो, समझ रहे हो। पहले इस भाई की बातें सुन के मुझे गुस्सा आ रहा था लेकिन जब इसने मीडिया का नाम ले दिया ना तब स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये भाई पाकिस्तान में जो दिखाया जाता है वही बोल रहा है। इनकी मीडिया भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा चलाती है, फेक न्यूज चलाती है, सारा दिन भर इंडिया खिलाफ एक ही झूठ को बार बार अलग अलग तरीके से परोसती रहती है। मोदी भारत 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 मोदी भारत 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 फिर के आ जाते हैं फिर बोल न्यूज वाले भारत क्लेम भेज देते हैं भारत और भारत के भारत 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 के रॉ भारत नरेंद्र मोदी भारत इंडिया इंडिया भारत पर भारत मोदी यानी भारत रॉ भारत ही हो गया। हे राम फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता। मैंने बोला था पप्पा को बचपन में से गिराना मत। पहली औरत नहीं है जिनको किडनी ट्रांसप्लांट के, यहाँ से हमारे बहुत सारे मरीज जाते हैं इंडिया जाकर अपने इलाज करवा के आते हैं, हमसे बेहतर है तो इलाज करते हैं ना सर। आप इंडिया के कुछ बंदे तो कह सकते हैं, कुछ शख्सियत तो कह सकती हैं, है इधर पाकिस्तान में भी है, जैसे हम अंसार बरनी था वो भी तो चाहता था ना सारे मामला थे ठीक है, लेकिन अक्सरियत जो भी है जो है ना वो नहीं चाहती। कहने का मकसद अवाम चाहती है, जो जमाते हैं ना जैसे दुश्मन बीजेपी जमात है हिंदू की झूठ बोलो वो बिल्कुल नहीं चाहती, बार बार झूठ बोलो। इसको बीजेपी का फुल फॉर्म मिल रहा है पूछो ऐसे वो भी नहीं आता होगा। जो अच्छा आटा 150 रुपए मिला है, 160 150 का जो अच्छा होता है वैसे 120 रुपए जो दूसरा आटा जो बिल्कुल सही। इंडिया में पता कितने का केजी आटा सस्ता आटा मुझे 25 से 30 रुपए। वाह मोदी जी वाह। सही बात है, प्याज देखो यहाँ 250 रुपए किलो है वहाँ जाके 25-30 रुपए किलो है। पर सिर्फ हिंदुओं के लिए ये फैसिलिटी नहीं है सर, वहाँ पे मुसलमानों के लिए भी ये फैसिलिटी है। अब इंडिया से नहीं आए बताए पहले। इस भाई के दिल में हिंदुओं और हिंदुस्तानियों के लिए कितनी नफरत भरी हुई कि इसको पाकिस्तानी रिपोर्टर भी एक हिंदुस्तानी ऐसे होता है यार। लानत है तुम पे, लानत। इंडिया का नाम इंडिया की तारीफ सुनते ही ये पाकिस्तानी अंदर से बिलबिला उठते हैं चलता है और यही मजा है कि मैं पीस पैदा करवाना चाह रहा हूँ, मैं जो नफरतें ये खत्म करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं तो कह रहा हूँ नफरतें खत्म हो, लेकिन बात कहने का मकसद फिर आपको भी बताता हूँ कि हमारे जो है जमातें नहीं चाहती खास तौर पे। सर आप अपनी मेंटालिटी तो देखो जमातों पे डाल रहे हो, क्या तकलीफ है भाई। वो नहीं चाहते कि हमें दिखाया जाता है यार, आप उसकी दिमाग की तरफ से रहो लेते बात हो। अब अभी फैक्ट पे अगर आप बात करेंगे ना तो मुसलमान जितने को इंडिया में खुशहाल है उतने पाकिस्तान के मुसलमान है आज के टाइम नहीं। नहीं इंडिया में मुसलमान वहाँ तंग भी बड़े हैं। अच्छा कश्मीर में क्या लाता है? देख जुलम नहीं कर रहा इंडिया, जुलम नहीं कर रहा था, जुलम हो रहा था सर, हो रहा है सर। G20 की मीटिंग इंडिया ने कश्मीर के, मुझे लगता है आप इंडिया से आए हैं, इंडिया ने खरीदा हुआ है इसको। अरे मेरे भाई इसको कितना समझा लो, ये समझने वाला नहीं है, ये है शुद्ध जाहिल और जाहिलों के पास बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो इसको कितना जाहिलों से बहस ना की जाए वाला भाई नहीं, ये नहीं समझने वाला नहीं। मेरी बात सुनो, यही है ना मेरी बात सुनो। अब बलोचिस्तान में क्या इंडिया करवा रहा है उधर? अब तो सर बोल दे, फिर हम वो भी कहता कि कश्मीर में पाकिस्तान करवा रहा है। पता नहीं पाकिस्तान को अपने फुर्सत नहीं है तो वो करवाएगा कश्मीर में जाके, इंडिया को भी अपने में फुर्सत नहीं है वो जाके करवाएगा, करवाते हैं वो पाकिस्तान में और इंडिया नहीं करा रहा, इंडिया करवा रहा कश्मीर में, इंडिया करवा रहा, ये भी मेरी गलती है। इस बात का हमारे पास प्रूफ है, बिल्कुल प्रूफ है। जो ये कहना चाहिए था कि पाकिस्तान बनने के लिए इंडिया की गलती है, ऐसे कहना चाहिए भैया, ये गलती मानते नहीं है। अगर इंडिया साजिश करता है हम पर तो वो पावरफुल है तो साजिश करता है ना, तो वो तो हर आपको हम अपने एजेंसीज को इतने पैसे देते हैं सर, किस वजह से पैसे देते हैं ताकि वो हमारी सिक्योरिटी दे कर सके। आप अपनी जेब से पैसे निकाल कर देते हैं तो वो पैसे कहाँ जाते हैं, ये हमारी सिक्योरिटी करने के अलावा और क्या काम करते हैं? तो इंडिया वाले क्या करते हैं, क्या करते हैं वो भी तो दहशत करती, पैसे ही देते हैं उनको एजेंसी वगैरह, देते या नहीं देते वो उनको पता, मुझे तो नहीं पता या आपको पता, जो आप बता रहे मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरा तो दिली जो ख्वाहिश है कि मुल्क हमारा सर्दे खत्म हो, तो अपनी जबान और ज़हनियत तो देख, मामला है जो हम वहाँ जा सके वो यहाँ आ सके। नहीं भाई हम तेरी चाहत को पूरा नहीं करेंगे। 1947 में जो कचरा हिंदुस्तान का उधर शिफ्ट हो गया है, वापस से उस जाहिल अवाम को हम अपने में नहीं मिलाना चाहते भाई, समझ में आया? आपस में लड़ो, उधर ही फटो, उधर ही मारो। मैं तो आप ये बातें वो बातें बोल रहे हैं कि जो कि आपको बुलवाई जा रही है सर, जो कि आपको दिखाया जाता है, आपको नहीं पता, पब्लिक को पता ही नहीं है बीच में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा।
अब आप मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर बैठकर बयान देते हैं कि कश्मीर जब तक आज़ाद नहीं होगा हम इंडिया के साथ ताल्लुक नहीं रखेंगे, हम इंडिया पर हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वहीं बंदा जब बाहर इंटरनेशनल मीडिया पे जाता है तो वो कहता है हम तो इंडिया के साथ पीस चाहते हैं, इंडिया तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, इंडिया बहुत अच्छा है। आपको मैं देता हूँ पासपोर्ट मेरा, इंडिया का वीजा लगवा दें, मैं कहता हूँ इंडिया का वीजा लगवा दें, आपको पासपोर्ट देता हूँ मैं जी, मेरा इंडिया का वीजा लगवाएं। आप इंडिया क्यों जाना चाहते हैं? क्यों इंडिया विजिट करने के लिए, विजिट करने के लिए लगवा के दे मुझे। मैं आपको बताता हूँ, मेरी हाथ जोड़ के मोदी जी से प्रार्थना है, विनती है, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, आप किसी भी पाकिस्तानी को हिंदुस्तान का वीजा मत दीजिए, ये साले उधर फट रहे हैं फिर इधर आके फटना शुरू कर देंगे, और नहीं तो क्या? पहचान भी नहीं पाएंगे, एक जैसे ही दिखते हैं। तो रहम कीजिए हम हिंदुस्तानियों पे। मैं जानता हूँ 5 अगस्त का वाक्य के बाद हमने बंद किए हैं। कौन सा? वो इंडिया ठा ले अपना। कौन सा? 5 अगस्त जो वाक्य हुआ था। कौन सा? ठीक है, वो काला कानून खत्म कर दे तो हमारे से दोबारा। कौन सा काला कानून? कौन सा जो 5 अगस्त को इन्होंने 2-3 साल पहले? अबे भाई बता तो सही नाम तो ले उसका। कानून वहां वो कह रहा कश्मीर में किया। 370 का आर्टिकल हटाया ना 2019 में, उसके बाद ट्रेड बंद की थी हमने, फिर हमने ट्रेड शुरू कर दिया। अभी जब जब भाई सैलाब आया तो हमने हमने कहा सैलाब आते हैं सारे मामला तो उस टाइम हो जाता है। मानते क्यों नहीं है फिर? वो हो जाता है सारा, हो नहीं जाता। नहीं मानेगा मेरा भाई, ये बिल्कुल नहीं मानेगा मेरे भाई। नहीं ये ठेठ जाहिल जमीन खोद के उल्टा भी लेट जाएगा, टांगे ऊपर कर लेगा ना, जब भी नहीं मानेगा मेरे भाई ये। नहीं बिल्कुल नहीं मानने वाला ये। इस पे लगी है असली पाकिस्तानियत की मोहर, और जो पाकिस्तानी जालत ना दिखाए वो असली पाकिस्तानी कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता। बंटी भाई आपके बयान ना हमें डाउस में डाल देते हैं। जब हमने किसी चीज से हट के जब हम किसी चीज से पीछे हट जाए ना सर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं किसी चीज से पीछे हट गया तो मैं कभी उस चीज पर मुड़के नहीं देखूंगा। जब मुश्किल हालात आते तो हमें इंडिया ही नजर आता है। मैं कह रहा हूं हम क्यों हालात खराब किए हुए दोनों मुल्कों की? छोड़ देता हूं, मुझे वीजा का वक्त दें जरा। सर वीजा पहले हमने बंद किया तो वो कैसे दें? वो फिर आपने करना ना जो मामला, जो बात तो आप कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आप इंडिया से ही हैं। ये देखे ये देखे सच्ची बात करें तो ये कह रहे कि आप इंडिया से। मुझे लगता है कि आप इंडिया, मुझे ये लगता है कि मैं ओरिजिनल पाकिस्तानी हूँ, मैं सच्ची बात करता हूँ और सच्ची बात करने से नहीं डरता। सच्ची बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। बताएं मैंने गलत कौन सी बात की? सारी बातें गलत ही, अभी एकतरफा ही सारी मामला कर रहे हैं। कौन सी एकतरफा? एकतरफा मामला ठीक है तो एकतरफा ही बोलेगा ना वो मामला। और चीज तुम झूठ बोल रहे हो तो वो तुम्हारी तरह झूठ बोलेगा। अपनी शॉपिंग भी करनी है, वापस भी जाना। अरे तू जा रही? ये मेरा भाई बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। और पाकिस्तान में अक्सरियत में ऐसे लोग हैं जो ये भ्रम में रहते हैं कि बीजेपी हिंदू इनका पसंद है, वो हमारे मुल्क दुश्मन है। यही नहीं अभी और सुनिए, और पाकिस्तान में जितनी भी वारदातें होती है उसके अंदर भारत की रो शामिल है। भारत इन लोगों को फंडिंग कराता है, अफगानिस्तान के जरिए कराता है, तो इस टाइप की बातें पाकिस्तान के अंदर चलती है। और ये सब के सब दिमाग से पैदल होते हैं, इनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। इनके नेता पॉलिटिशियन इनका मीडिया जो बोल देता है ये मान लेते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास। अब वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपके जो भी विचार है वो कमेंट सेक्शन के अंदर उतार दीजिए भैया। और वीडियो का टारगेट रखते हैं 12,000 लाइक। 13,000 लाइक के लिए बोला था और सिर्फ 12,000 लाइक जाहिल के नाम करवा दीजिए। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी तो आप सबने वीडियो देखा हमारे साथ, और प्रॉब्लम बताऊं क्या है। अब आप देखें मुजम्मिल ने कुछ फैक्ट्स बताए हैं जो कि फैक्ट हमारे नेशनल मीडिया पे नहीं चलाए जाते, यानी ये जो न्यूज़ थी ये भी हमने सोशल मीडिया के थ्रू ही देखी थी, हमारे नेशनल मीडिया पे नहीं दिखाया गया इस न्यूज़ को। तो अब सीन ऐसे है कि वो बंदा फैक्ट बता रहे और उसने कोई मतलब ना झूठी कोई तारीफ की है, ना पाकिस्तान को उसने बुरा कहा है, ठीक है, ना हम बुरा कहते हैं किसी भी कंट्री को। हम तो ये कहते हैं कि सिस्टम को ठीक किया जाए, कंट्री खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, अवाम को एजुकेट किया जाए, अवाम भी ठीक हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि उसने मुजम्मिल ने 2-4 बातें कहीं और ये भाई साहब ने टैग लगा दिया फटाफट, टैग क्या फतवा लगा दिया कि तुम तो हो ही हिंदुस्तान से। और ये चीज़ें हमें भी कमेंट सेक्शन में अक्सर देखने को मिलती हैं, जब भी कोई जाहिल आता है ना तो वो फिर अपनी जहालत कमेंट सेक्शन में हमें दिखाता है। और सबसे आसान हल यही है, कोई घास ही ना डाली जाए। मैं तो फिर भी मुजम्मिल की हिम्मत को दाद देता हूँ कि वो इस बंदे के आके बात कर रहा था और सुन रहा था, वरना हमारा तो सिंपल फंडा है जनाब, आप एक दफ़ा समझाएं जाहिल को, 2 दफ़ा समझाएं, उसके बाद छोड़ दें, क्योंकि जाहिल ने बहस करनी है। वो कहते हैं ना कि जो जो अक्लमंद होता है उसे कोई बात समझाई जाए तो वो उस बात को तस्लीम करता है और उस पर अमल करता है, और जो जाहिल होता है ना वो
पहले तो मानेगा नहीं और फिर गुस्सा होगा और फिर हाथ उठाएगा। तो ये सिंपल सा फंडा है कि आप एक दफ़ा समझाएं, बाद में समझ आती है ठीक है, नहीं तो आप समझ जाएं ऊपर वाला माला इसका खाली है। तो जहाँ तक वो बातें कर रहा था, अब देखे ना उसे ये तक नहीं पता कि 370 हटाया है या 370 लगाया है। वो बार बार यही कह रहा था जी 5 अगस्त को कुछ लगाया है वो हटाओ, लॉ लगाया है हटाओ। ओ भाई, हटने पे जितना वहाँ पे सेलिब्रेशंस हुई हैं, इसको ज़रा वो वीडियो दिखाई दें, ये वैसे ही मर जाएगा। मतलब बचपन से इनको जो दिमाग में डाला जाता है वही आप देखेंगे पर्सनैलिटी में, कि जो देखा है वही बोलेंगे। फिर इतने ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं होंगे ये, और एजुकेशन ली भी हुई तो आपको पता है वही कन्वेंशनल मुताला है, पाकिस्तान पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक जो कि गवर्नमेंट छापती है वहाँ से पढ़ा होगा। कुछ एजुकेट करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में मुजम्मिल को, ये चाहिए सब कि एक ना ओपन डिबेट रख ले किसी जगह पे और पब्लिक में से लोग आएँ और फिर उनके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग हो, इस तरह से हो तो वो बेटर रहेगा। ऐसे वरना ये जाहिल नहीं सुधरेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बड़ी लंबी बातें हो गई अपनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।